वृश्चिक राशि वालों नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से एक नई और ताज़ा वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 25 सितंबर सोमवार आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में। 25 सितंबर सोमवार के दिन आपके लिए कैसी रहेंगी, इस दिन कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस दिन कौन से लाभ होंगे, कौन से फायदे होंगे, ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके राशि पर क्या होगा। साथ ही जानेंगे इस दिन आपका शुभ रंग और शुभ अंक क्या रहेगा और कितना प्रतिशत भाग्य आपका साथ निभाएगा, किस तरह से प्लान करके चलें ताकि दिन बने सबसे खास सबसे बेहतर। लेकिन उससे पहले आज के ग्रह नक्षत्र और पंचांग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आज दिनांक 25 सितंबर 2023 दिन सोमवार, तिथि की अगर बात करें तो शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 7:56 तक रहेगा और नक्षत्र है उत्तर भाद्रपदा। आज का अभिजीत मुहूर्त का समय 11:54 से 12:45 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय 7:49 से 9:19 तक रहेगा। प्यारे मित्रों इस राहु काल में कोई भी नए कामों की शुरुआत ना करें। अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की। तो सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं लेकिन चंद्रमा धनु राशि में संचार करेगा पूरे दिन रात। आइए बात करते हैं आपका दैनिक राशिफल और यह प्रेडिक्शन आपके चंद्र राशि पर आधारित है। अगले इन 24 घंटे में कई सारी खुशियां आपको एक साथ प्राप्त हो सकती है और दोस्तों ये खुशियां आपके ही घर परिवार वालों की ओर से हो सकती है। जैसे कि अगर आपके बच्चे हैं, उन्होंने अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह दिया था या फिर कहीं नौकरी में प्रमोशन आदि की चाहत थी तो वो सपना वो चाहत इस समय उनकी पूरी हो सकती है और वहां से आपको शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों भाग्य अभी आपका 90% साथ दे रहा है। अगर आप इस समय अपने धन को किसी सट्टेबाजी में या चिट फंड में निवेश करते हैं तो इस समय लाभ आपको बड़ी मात्रा में हो सकता है, लेकिन जरा सावधानी से। अगले इन 24 घंटे में आपके घर बैठे बैठे कई सारे काम बनने वाले हैं लेकिन दोस्तों आपको कामों में लापरवाही और आलसी नहीं दिखाना है। आपको कभी यह नहीं सोचना है कि इसे बाद में करेंगे। इस दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो कहीं ना कहीं समय के साथ चलते हैं, इसलिए दोस्तों आपको भी समय के साथ ही चलना होगा, सफलता आपकी कदम चूमेगी। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपके लिए गंभीरता से मेहनत करने का दिन है। जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। आज आप काफी लंबे समय से टाल रहा जो काम था संतोषजनक ढंग से पूरा करने में सफल रहेंगे, इससे आपके और सफल प्रभावित होंगे और आज आप पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की भी नज़र पड़ेगी और इस बात का आपके भविष्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन खेल के मैदानों में जोश दिखाने और एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज सारा तनाव आपका धुल जाएगा और आप जबरदस्त तरीके से ऊर्जावान और तरोताज़ा महसूस करेंगे। इसमें आप आशा भी संचार होगा और आप में काम कर पाएंगे जिन्हें आप टालते आ रहे थे। आपका उत्साह और जोश आज परिवार के अन्य लोग और दोस्त भी काफ़ी जो है प्रभावित रहेगा और आप अचानक ही आउटडोर कार्यक्रम या पिकनिक की योजना पर भी जा सकते हैं। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, जटिलताएं आज आपके प्रेम के क्षेत्र में आ सकती है। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि आवेग आपको कुछ भी शुभ नहीं देगा। आपको अपने साथी के प्यार और स्नेह को पहचानने की भी जरूरत है जो कि तनाव में चलते कहीं सा दब सा गया है।
अपने आत्मसम्मान और अपने साथी के लिए अपनी प्रतिबद्धता के बीच अच्छे संतुलन बनाए रखना अभी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन सट्टा उद्यम के लिए उपयुक्त है, पर बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लें। अगर आप बिना गणना करके जोखिम लेंगे तो लाभ में रहेंगे, परंतु याद रखें अज्ञानता में लिया गया फैसला नुकसान दिला सकता है। इसलिए जाने पहचाने में आप कोई ऐसा कार्य कर सकती हैं जो कि आपको आने वाले समय में लाभ दे सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों, आज आप हर किसी पर विश्वास करने के मूड में रहेंगे। इसका नुकसान यह है कि आप किसी ऐसे आदमी के साथ अपनी गुप्त बातें, अपनी जो है पर्सनल बातें साझी कर सकती हैं जो दिल से आपका भला नहीं चाहता है। सितारे कहते हैं कि आज आप धोखा खा सकती हैं। इसलिए दोस्तों, पहले इस आदमियों के बारे में सही से छानबीन कर लें। आप पिछले कुछ समय से कार्यस्थल पर, घर पर किसी बात से असहमत हैं तो आज दोस्ती का भी हाथ बटाने के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आप पिछले कुछ समय से अपने स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी सख्ती दिनचर्या का पालन कर रहे हैं, आपको अब इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने अपने खान पान में कुछ परिवर्तन किया है तो आपको इसके कारण अपने स्वास्थ्य में विशेष सुधार दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इससे आपको अपने स्वास्थ्य ऊर्जा रूटीन में बनने में भी प्रेरणा मिलेगी और आप इसे अच्छे नतीजे को देखकर अपने शारीरिक व्यायामों को भी और भी बढ़ा पाएंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, इस समय आपको अपने परिवार से वित्तीय मांगों की सूची मिल सकती है। ये आपके परिवार के प्रति प्रतिबद्धता है और आपको उन्हें पूरा करना होगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये आपको अत्यधिक लगे लेकिन वास्तव में उचित है, लेकिन चिंता ना करें क्योंकि आप सभी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरेंगे, सक्षम हो और ये चीज़ आपके रिश्तों को और गहरा करेगी। देखिए दोस्तों, आपके लिए जो समय है, एक उत्कृष्ट अवसर आज आपके लंबित कार्यों को खत्म करने के लिए आपके रास्ते में आ सकता है। इस खाली समय का पूरा उपयोग करें और इसका अच्छे से अच्छे लाभ उठाएं। हालांकि आप जिस तरीके से अपने कार्य अभी तक करते आ रहे थे उन्हें आपको छोड़ना होगा। यह अपने मनपसंद या घर के स्वामित्व को पाने के लिए सही समय है। आपको उसमें चेंजिंग या फिर बदलाव करने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर समय अभी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अगर आप सही तरीके से इनका लाभ उठाएंगे तो आप फायदे में रहेंगे। अगर आप लापरवाही आलसी करेंगे तो आज आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इन जानकारियों से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद। अब बात करते हैं शुभ रंग और शुभ अंक की। तो आज आपका शुभ रंग है आसमानी कलर और शुभ अंक है 2। दोस्तों, भाग्य साथ देगा तकरीबन 78%। तो दोस्तों, ज़्यादा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।